हेलो गाइस, लास्ट वीडियोस में हमने लेखांकन अवधारणाओं पर चर्चा की थी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेखांकन परंपराएं। देखिए, जब हमने आपको बताया था कि हम लेखांकन सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, तो लेखांकन सिद्धांतों को हमने दो भागों में विभाजित किया था। एक थी लेखांकन अवधारणाएं या मान्यताएं और दूसरी लेखांकन परंपराएं। तो आज हमें टॉपिक क्या करना है सर, लेखांकन परंपराओं पर हमें चर्चा करनी है। लेखांकन परंपराएं, लेखांकन परंपराओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है सर? इंग्लिश में कहा जाता है अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस, अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस इनको कहा जाता है इंग्लिश में। तो आपको ध्यान होगा, जब मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल का फर्स्ट वीडियो आपको दिया था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि लेखांकन परंपराएं होती है वो चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी लेखांकन परंपराएं होती है? सबसे पहली मैंने आपको बताया था, एक रूपता की परंपरा होती है, एक रूपता की परंपरा। दूसरा आपको बताया गया था पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा होती है, पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। तीसरा आपको मैंने बताया था रूढ़िवादिता की परंपरा होती है, और फोर्थ एंड लास्ट जो परंपरा बताई थी वह है महत्वपूर्णता की परंपरा, महत्व पूर्णता की परंपरा। ये कुल मिला के चार परंपराएं हमने आपको बताई थी, और परंपराओं के बारे में हमने आपको बताया होगा, अगर नहीं भी बताया तो चलो अब बता देते हैं। परंपराओं का सामान्य अर्थ होता है लेखाकारों के मध्य परंपरागत रूप से चली आ रही कुछ बातें, या फिर कह सकते हैं वे परिपाटी जो लेखाकार हमेशा से अपनाते आ रहे हैं। तो इनका कोई कानूनी आधार नहीं होता है, अपनी आपसी समझ के आधार पर सामान्यतः इन लेखांकन परंपराओं को स्वीकृत करते हुए सभी लेखाकार क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो चलिए प्रत्येक परंपरा को हम क्या करते हैं, विस्तार पूर्वक प्रत्येक परंपरा पर चर्चा करेंगे। तो पहली परंपरा कौन सी है सर? एक रूपता की परंपरा है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली परंपरा है एक रूपता की परंपरा, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कॉन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, इंग्लिश में कहा जाएगा कॉन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। एक रूपता की परंपरा का अर्थ क्या है? देखिए, यहां जो शब्द दिया हुआ है एक रूपता, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है एक रूप का अर्थ होता है। जब भी आप लेखांकन करते हो तो लेखांकन में कुछ मदों के संबंध में एक से अधिक विधियां होती है। जैसे हम ह्रास लगाते हैं, ह्रास का अर्थ क्या होता है? संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी को हम ह्रास कहते हैं। अब हम जब भी कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उसके एक जीवन काल हम निर्धारित कर लेते हैं, अनुमानित जीवन काल, और उस पूरे अनुमानित जीवन काल में उस संपत्ति की लागत को हम अपलिखित कर देते हैं, अर्थात उस संपत्ति की लागत को पूरे जीवन काल में उसे अवशोषित कर लिया जाता है। तो संपत्ति की लागत को उसके पूरे जीवन काल में विभाजित करना ह्रास कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि संपत्ति को एक साल में कितनी संपत्ति का उपयोग किया जा चुका है, वो एक साल में संपत्ति की लागत जो हमें अवशोषित करनी है, जो एक साल की लागत हमें उस संपत्ति की माननी, उसे हम ह्रास कहते हैं। तो ह्रास का मतलब हो गया कि संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी को, सामान्य अर्थों में अगर अपन बात करें तो सामान्य अर्थों में कह सकते हैं कि संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी, संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी किस कारण से होगी? ये जो कमी होती है ये उपयोग की वजह से, उस संपत्ति का लगातार उपयोग या समय व्यतीत होने के कारण,
होने के कारण या अन्य किसी कारण से भी संपत्ति के मूल्य में कमी हो सकती है। तो संपत्ति के मूल्य में उपयोग या फिर समय व्यतीत होने के कारण अगर कोई कमी आ रही है तो उसे हम ह्रास कहते हैं। अब ह्रास का जब हम मूल्य निर्धारित करते हैं कि ह्रास की कितनी राशि होगी, प्रतिवर्ष हमें संपत्तियों पर ह्रास लगाना पड़ता है और इस ह्रास की राशि का निर्धारण करने के लिए मुख्यतः दो विधियां होती है। एक होती है स्थाई किस्त विधि होती है, एक होती है अपलिखित मूल्य विधि। इन सबको आपको आगे पढ़ना है, अभी आप ये समझना है अपलिखित मूल्य विधि, अभी आपको ये समझना है कि किसी विशेष मद के संबंध में एक से अधिक विधियां हो सकती हैं। तो आपने लेखांकन में कौन सी विधि को उपयोग करना, या तो आप इस विधि को अपनाएंगे या फिर इस विधि को अपनाएंगे, तो में से किसी एक विधि से आप ह्रास की गणना करेंगे और उस ह्रास को आप लेखा पुस्तकों में दर्ज करेंगे। तो लेखांकन के कुछ सिद्धांत या फिर कुछ विधियां ऐसी मदों पर लागू होती है जिनमें, तो जो लेखांकन के सिद्धांत और विधियां, इनमें से आपने जिस विधि को अपनाया है एक वर्ष, उसी विधि को आपको प्रतिवर्ष अपनाना चाहिए। यह बात कौन कहता है? सर, एक रूपता की परंपरा कहती है। या तो आपने ये विधि अपनाई है तो हर साल इसी विधि को उपयोग में लेना चाहिए, अगर ये विधि आपने अपनाई है तो हर साल इसी विधि को उपयोग में लेना चाहिए। बार बार आपको परिवर्तित नहीं करना चाहिए। आपने एक साल इससे ह्रास लगाया, दूसरे बार इससे लगाया, तीसरी बार फिर इससे लगाया, चौथी बार फिर इससे लगाया, तो ऐसे विधियां आपको परिवर्तित नहीं करनी चाहिए। तो ये परंपरा आपको क्या कहती है? सर, ये परंपरा कहती है कि आपने जो भी लेखांकन के सिद्धांत या कोई लेखांकन की विधि एक साल उपयोग कर ली है, उसी को आपको प्रतिवर्ष उपयोग करना चाहिए, यानी कि वर्ष दर वर्ष आपको लेखांकन की विधियों को परिवर्तित नहीं करना चाहिए। इससे क्या फायदा मिलेगा? सर, इससे फायदा ये मिलता है कि जो लेखांकन विधियां और सिद्धांत जब एक जैसे होंगे वर्ष दर वर्ष, तो हमें एक वर्ष से दूसरे वर्ष के जो अपने वित्तीय विवरण है, जो आर्थिक सूचनाएं हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन करने में आसानी रहेगी। अगर हम विधियां परिवर्तित करते रहेंगे तो उससे क्या कि अपने तुलनात्मक अध्ययन करने में बहुत कठिनाई महसूस करनी पड़ेगी। विधि परिवर्तन की वजह से लाभ हानियों पर क्या प्रभाव पड़ा है, वित्तीय विवरणों पर विधि परिवर्तित करने से क्या प्रभाव पड़ा, वो भी हमें जानकारी, फिर वहां पे एक और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो जानकारी भी हमें जुटानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा ये है कि हम विधियों को एक जैसा रखें जिससे कि हमें कोई अतिरिक्त प्रयास ना करने पड़े, तुलनात्मक अध्ययन आसानी से संभव हो सके। तो एक रूपता की परंपरा क्या कहती है? इस परंपरा के अनुसार, इस परंपरा के अनुसार लेखांकन विधियां एवं सिद्धांत वर्ष दर वर्ष समान होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो जो भी लेखांकन विधियां है, जो लेखांकन सिद्धांत है, वो प्रतिवर्ष आपकी क्या होनी चाहिए? समान होने चाहिए। प्रतिवर्ष आपको लेखांकन सिद्धियों विधियों को और सिद्धांतों को परिवर्तित नहीं करना चाहिए, जिससे क्या फायदा मिलेगा? जिससे एक वर्ष, जिससे वित्तीय विवरणों का, वित्तीय विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन आसानी से तो ये विधि क्या कहती है कि सर, आपको प्रतिवर्ष लेखांकन विधियों को, लेखांकन सिद्धांतों को एक समान ही रखना है, उनको बार बार परिवर्तित नहीं करना है। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? सर, फायदा ये मिलेगा कि वित्तीय विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन करने में आसानी रहेगी, यानी एक वर्ष और दूसरे वर्ष के जो वित्तीय विवरण है उनको तुलना करने में आसानी रहेगी कि पिछले बार हमने क्या किया था, इस बार हमने क्या किया है, पिछले बार कितने लाभ थे पिछले साल और इस साल कितने लाभ है, तो तुलनात्मक अध्ययन करने में आसानी रहेगी। लेकिन विशेष रूप से एक बात आपको और ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक समान
लेखांकन विधियां और लेखांकन सिद्धांत होने चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं कि आप इन लेखांकन सिद्धांतों और विधियों को कभी परिवर्तित ही नहीं कर सकते। आप इन लेखांकन सिद्धांत और लेखांकन विधियों को परिवर्तित कर सकते हैं अगर कानून में ऐसा कोई परिवर्तन हो गया हो, या कोई परिस्थितियां बदल गई हो, या फिर ऐसा करना यानी कि विधियों को परिवर्तित करना आपके व्यवसाय के हित में हो। तो जब परिस्थितियां बदल जाती हैं तो परिस्थितियों के बदलने के फलस्वरूप अगर आपके लिए आवश्यक हो जाता है कि आप लेखांकन सिद्धांत और विधियों को बदल दें तो उस परिस्थिति में आप बदल भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समान रहने चाहिए तो आप हर साल एक जैसे ही रखोगे। परिवर्तन अगर परिस्थिति में आ जाता है तो इन विधियों को आप परिवर्तित कर सकते हैं अगर ऐसा आपके लिए आवश्यक होता है तो आप यहां लिखेंगे परंतु इसका यह अर्थ नहीं है, यह अर्थ नहीं कि लेखांकन सिद्धांत एवं विधियों को बदला ही नहीं जा सकता। इसका अर्थ नहीं कि आप बदल नहीं सकते। परिस्थितियों एवं परिवेश में अगर कोई परिवर्तन होता है परिस्थितियों एवं परिवेश में हुए परिवर्तनों को वर्तनों को ध्यान में रखकर ध्यान में रखते हुए इन सिद्धांतों एवं विधियों में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एकरूपता की परंपरा लोचशीलता की तरफ इशारा कर रही है कि सामान्य रूप से आपको क्या करना है, प्रत्येक वर्ष आपको लेखांकन सिद्धांत एक जैसे रखने हैं, लेकिन अगर परिस्थितियां परिवर्तित हो जाती हैं और इन सिद्धांतों और विधियों को परिवर्तन करना आपके व्यवसाय के हित में होता है तो आप इनको परिवर्तित कर सकते हैं। यह थी आपकी एकरूपता की परंपरा। सेकेंड अब हम चर्चा करेंगे दूसरी परंपरा की, परंपरा पर जो है पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। दूसरी परंपरा है पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। ये जो पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा है इसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कॉन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, देखिए कॉन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? पूर्ण प्रकटीकरण, यहां भी इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है पूर्ण प्रकटीकरण। प्रकटीकरण का मतलब होता है दिखाना या प्रकट करना। तो ये आपको परंपरा कहती है कि आपके व्यवसाय से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उन सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को आपको वित्तीय विवरणों के अंतर्गत दिखाना चाहिए। अगर कुछ वित्तीय विवरणों में कुछ मदें ऐसी होती हैं जिनकी वित्तीय विवरणों में जगह नहीं होती है तो उन मदों को आप वित्तीय विवरणों में न दिखा के वित्तीय विवरणों के नीचे टिप्पणी के रूप में अलग से दिखा सकते हैं। तो पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा बस इतनी बात कहती है कि जितनी भी आपके व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं
उन सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को आप वित्तीय विवरणों के अंतर्गत दिखाओ। अगर वित्तीय विवरणों में उन सूचनाओं की कोई जगह ना हो तो आप वित्तीय विवरणों के नीचे टिप्पणी के रूप में अलग से उन सूचनाओं को दर्शा सकते हैं। तो लिखेंगे आप यहां पे, इस परंपरा के अनुसार, इस परंपरा के अनुसार, इस परंपरा के अनुसार व्यवसाय से संबंधित सभी आर्थिक सूचनाओं को वित्तीय विवरणों के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए। वित्तीय विवरणों में इनको दिखाना चाहिए। लेकिन अगर वित्तीय विवरणों में इनसे संबंधित कोई जगह ना हो, कुछ ऐसे भी सूचनाएं होती हैं जिनके कोई जगह वित्तीय विवरणों में ना हो, तो उनको उसके लिए क्या करेंगे, टिप्पणी के रूप में दिखाएंगे। यदि किसी सूचना को वित्तीय विवरणों में नहीं दिखाया जा सकता है, तो उन्हें वित्तीय विवरणों की नीचे टिप्पणी के रूप में दिखाया जाना चाहिए। जैसे संदिग्ध दायित्व, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई सूचना आपके व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है तो उस सूचना को आप वित्तीय विवरणों में नहीं दिखा सकते हैं, तो उसे टिप्पणी के रूप में अलग से वित्तीय विवरणों के नीचे दिखा सकते हैं। जैसे संदिग्ध दायित्व, संदिग्ध दायित्व का अर्थ होता है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि एक ऐसा दायित्व जिसके बारे में आप खुद भी श्योर नहीं है कि ये आपका दायित्व है या नहीं है। अर्थात आपको किसी को पेमेंट करना है लेकिन उसके लिए कंडीशन अप्लाई हो गई कि मान लो कि आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा है, अगर आप कोर्ट में केस जीत जाते हो तो आपको वो दायित्व का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, और आप कोर्ट में केस हार जाते हो तो आपको उस दायित्व का भुगतान करना पड़ेगा। तो खुद आप श्योर नहीं है, डिपेंड है इस बात पर कि आपका आप कोर्ट केस जीतते हैं या नहीं जीतते हैं। तो ऐसे दायित्व जिनके बारे में आप खुद श्योर नहीं है, जो किसी घटना के घटित होने या घटना के घटित ना होने पर डिपेंड होते हैं, वे दायित्व संदिग्ध दायित्व होते हैं। और संदिग्ध दायित्व को वित्तीय विवरणों के अंतर्गत नहीं दिखाते हैं, इन संदिग्ध दायित्वों की वित्तीय विवरणों में कोई जगह नहीं होती, संदिग्ध दायित्व को वित्तीय विवरणों में टिप्पणी के रूप में दिखाया जाता है। आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आ गई कि पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा क्या कहती है। सर, वित्तीय सूचनाओं को आपको पूर्ण रूप से प्रकट करना चाहिए वित्तीय विवरणों में, और अगर कोई वित्तीय सूचना ऐसी है जिसको आप वित्तीय विवरणों के अंतर्गत प्रकट नहीं कर सकते तो उन वित्तीय सूचनाओं को टिप्पणी के रूप में दिखा सकते हैं, जैसा कि संदिग्ध दायित्व बताया गया है। अब अगली परंपरा पर हम चर्चा करते हैं, जिसका नाम होगा रूढ़िवादिता की परंपरा। नेक्स्ट है थर्ड रूढ़िवादिता की परंपरा।
इस रूढ़िवादिता की परंपरा को इंग्लिश में कहा जाता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कॉन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहती है सर? कॉन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म हमें कहती है कॉन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहती है देखिए कॉन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म हमें बताती है कि अगर आपके व्यवसाय में कोई हानियां होने वाली है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका भविष्य में कोई हानि निश्चित है, तो उस हानियों को आज ही आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करो, उन हानियों के लिए आज ही प्रावधान बना लो। प्रावधान बनाने का अर्थ अपने लाभों को इकट्ठा करो भविष्य में होने वाली लाभ हानियों से सतर्क रहने के लिए। यानी कि अगर भविष्य में कोई हानि होने वाली है तो उस हानि की पूर्ति के लिए आज से ही आपको तैयार रहना पड़ेगा, अपने लाभों को इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे ही वो हानि होगी उन बनाए गए प्रावधानों या आयोजनों से इकट्ठे किए हुए लाभों से उन हानियों की आप पूर्ति कर पाएंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये परंपरा आपको बताती है कि आपको सतर्क रहना चाहिए किसके प्रति, हानियों के प्रति। इसलिए हम इस परंपरा का जो दूसरा नाम रखते हैं वो होता है सतर्कता की परंपरा, भी हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर? इस परंपरा को हम सतर्कता की परंपरा भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि यह परंपरा आपको सतर्क रहने के लिए बोलती है। किसके संबंध में सतर्क रहने के लिए बोलती है सर? यह परंपरा हमें हानियों से सतर्क रहने के लिए बोलती है। तो यह परंपरा आपको क्या कहती है? यह परंपरा कहती है सर हमें संभावित हानियों को तो परंपरा आपको क्या कहती है कि लाभों को आपको तब तक लाभ नहीं मानना है जब तक वो वास्तव में वसूल ना हो जाए। तो इस परंपरा के अनुसार भावी संभावित लाभों को तब तक लाभ नहीं मानना है, जब तक वे वास्तव में वसूल ना हो। लेकिन संभावित हानियों को लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है सीधा सीधा कि लाभ तब तक लाभ नहीं है जब तक वो लाभ आपको वास्तव में वसूल नहीं होगी। वास्तव में वो लाभ जब आपको नहीं होते तब तक वो लाभ नहीं है। मतलब भावी लाभों को पुस्तकों में रिकॉर्ड नहीं करना है। लेकिन कोई भावी हानियां है, आपको लग रही है कि वो हानियां होने वाली है या कोई खर्चा होने वाला है, तो उसके लिए अभी से आप आयोजन बना के तैयारी कर लीजिए। जैसे ही वो हानियां होगी उन हानियों को अपलिखित अपने लाभों से कर सकते हैं, उन हानियों की पूर्ति लाभों से कर सकते हैं। अतः
इस अवधारणा के अनुसार, इस अवधारणा के अनुसार क्या करते हैं, इस अवधारणा के अनुसार कुछ काम होते हैं। पहला काम, अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन, अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन, लागत अथवा बाजार मूल्य, दोनों में जो कम हो पर किया जाता है, दोनों में जो कम हो पर किया जाता है। अर्थात अंतिम स्टॉक का अर्थ क्या है? देखिए, अंतिम स्टॉक का अर्थ होता है कि आप माल खरीदते हैं विक्रय करने के उद्देश्य से, तो आपने जो माल खरीदा है विक्रय के उद्देश्य से उसमें से कुछ माल वर्ष के अंत में बिना बिका रह गया, बिका नहीं, तो बिना बिका रह गया जो माल, उस माल को अंतिम स्टॉक कहते हैं। और वर्ष के अंत में आपको अंतिम स्टॉक को जब आप दिखाओगे अपनी लेखा पुस्तकों में, तो उसका मूल्यांकन किस मूल्य पर करोगे? तो मूल्यांकन करते टाइम आपको इस बात रूढ़िवादिता परंपरा के अनुसार लागत मूल्य और बाजार मूल्य दोनों में जो कम हो उस पर उसका मूल्यांकन करना है। तो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, भावी संभावित हानियों के लिए आपको पूर्ववत आयोजन बना के तैयार रहना है। तो संभावित हानियों के लिए आयोजन बनाया जाता है, यानी भविष्य में कोई हानि होने वाली आपको लग रहा है, जैसे मान लो किसी देन किसी व्यक्ति को आपने उधार में माल बेचा हो, जिस व्यक्ति को उधार में माल बेचते हैं उसको क्या कहते हैं सर? उसको देनदार कहते हैं। और आपको लगता है उस देनदार से आपको कभी वसूली नहीं होगी, या तो मान लो वो देनदार की मृत्यु हो गई या फिर वो देनदार दिवालिया घोषित हो गया, तो इन दशाओं में हो सकता है उस देनदार से आपको कुछ भी राशि वसूल ना हो। तो अगर आपको लगता है कि देनदार से आपको कुछ भी राशि वसूल नहीं होने वाली है, तो उस कंडीशन में आपको उस संभावित हानि के लिए पहले से आयोजन बनाना है, मतलब अपने लाभों को एक जगह इकट्ठा कर लेना है कि भाई उस हानि की पूर्ति इन इकट्ठे किए हुए लाभ यानी आयोजनों से की जा सके। जैसे डूबत ऋणों के लिए आयोजन, करों के लिए आयोजन, कर के लिए आयोजन, कर मतलब टैक्स, आदि। तो रूढ़िवादिता की परंपरा आपको क्या कहती है सर? रूढ़िवादिता की परंपरा हमें बताती है कि संभावित हानियों को आपको आज ही रिकॉर्ड करना है, संभावित हानियों के लिए अभी आपको आयोजन बनाना है, लेकिन लाभों को तब तक लाभ नहीं मानना जब तक वो वास्तव में वसूल नहीं हो जाते हैं। तो ये आपकी रूढ़िवादिता की परंपरा है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लास्ट परंपरा पर, जिसका नाम है महत्वपूर्णता की परंपरा। अब देखिए, महत्वपूर्णता की जो परंपरा है यह पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा का विपरीत मानी जाती है। विपरीत कैसे मानी जाती है कि पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा हमें कहती है कि आपको सभी वित्तीय सूचनाओं को आपके वित्तीय विवरणों में प्रकट करना है, लेकिन महत्वपूर्णता की परंपरा कहती है कि आपको सभी को नहीं करना, जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उनको वित्तीय विवरणों में अलग से प्रकट करना होता है, जबकि जो महत्वपूर्ण सूचनाएं नहीं है उन महत्वपूर्ण न होने वाली सूचनाओं को, जो महत्वपूर्ण नहीं है उन सूचनाओं को आप अन्य मदों के साथ दिखा सकते हैं, उनको पृथक से प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो फोर्थ आपकी महत्व
पूर्णता की परंपरा। ये परंपरा हमें क्या कहती है सर? ये परंपरा कहती है ये परंपरा आपको क्या कहती है कि केवल महत्वपूर्ण सूचनाओं को आपको लेखा पुस्तकों पृथक से दिखाया जाना चाहिए। तो इस परंपरा के अनुसार केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को या सूचनाओं को महत्वपूर्ण तथ्यों या सूचनाओं को वित्तीय विवरणों में पृथक से दिखाया जाना चाहिए, पृथक से दिखाया जाना चाहिए। यदि कोई सूचना महत्वपूर्ण ना हो तो उसे पृथक से ना दिखाकर अन्य सूचनाओं के साथ मिला दिया जाता है, अन्य सूचनाओं के साथ मिला दिया जाए। तो क्या कहती है आपको ये कि केवल महत्वपूर्ण सूचनाओं का पृथक रूप से वित्तीय विवरण दिखाओ। जो सूचनाएं महत्वपूर्ण प्रकृति की ना हो उनको अलग से दिखाने की कोई जरूरत नहीं, उनको आप किस में मिला दो सर? अन्य सूचनाओं में मिला दो। अब प्रश्न ये उठता है कि महत्वपूर्ण सूचनाएं कौन सी होती हैं? तो महत्वपूर्ण सूचनाएं वे सूचनाएं हो सकती हैं जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के निर्णय को प्रभावित करती हैं। अगर कोई सूचना दिखाई जाती है ना दिखाई जाए तो वो निर्णय को प्रभावित कर सकती है, या दिखा दी जाए तो निर्णय को प्रभावित कर सकती है। तो महत्वपूर्ण सूचना का अर्थ मैं यहां लिख देता हूं, महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना क्या होती है? तथ्य या सूचना क्या होती है ये मैं आपको यहां बता दे रहा हूं। महत्वपूर्ण सूचना या महत्वपूर्ण तथ्य का अर्थ है वे तथ्य या सूचनाएं जो लेखांकन सूचनाओं की उपयोगकर्ता की निर्णय को प्रभावित कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है सर? महत्वपूर्ण सूचनाएं वो सूचनाएं होती हैं जो क्या करती है सर? उपयोगकर्ता के निर्णय को प्रभावित कर सकती है। तो उपयोग ये सूचनाएं जो महत्वपूर्ण प्रकृति की होती हैं उनको लेखांकन के वित्तीय विवरणों में पृथक से दिखाया जाना चाहिए,
और जो महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है उनको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, उनको अन्य तथ्यों के साथ मिलाकर जो महत्वपूर्ण प्रकृति के नहीं उन तथ्यों को मिलाकर एक साथ दिखा देना चाहिए। तो ये आपकी परंपराएं हैं। तो जब भी आप लेखांकन करेंगे तो लेखांकन करते समय आपको इन सभी सिद्धांतों और इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए जिनको हमने दो भागों में बांटा है, लेखांकन अवधारणाओं और परंपराओं के रूप में। नेक्स्ट वीडियो में हम लेखांकन प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे, तब तक आप पीछे के वीडियोस को ध्यान से देखिए और लेखांकन शब्दावली और लेखांकन सिद्धांतों को याद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेखांकन प्रक्रिया के साथ। थैंक यू वेरी मच।